प्रशासन की सख्ती के बाद दतिया पुलिस ने भी अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में दूरसड़ा थाना पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी को महज कुछ घंटों में ही गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर दिया। प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस को सख्त निर्देशित किया गया था कि उनके जिले में हो रहे आपराधिक घटनाओं में अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए। उसी क्रम में आज दूरसड़ा थाना पुलिस ने एक महिला से छेड़खानी के मामले में एक आरोपी को महज कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। आपको बता दें कि ग्राम रजौरा निवासी महिला ने पड़ोस में ही रहने वाले शोभा रामपाल पर पानी लेने के बहाने छेड़खानी करने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही महिला ने शिकायत की थी कि युवक ने अश्लील हरकतें भी की थीं। महिला ने एक छेड़खानी की शिकायत करते हुए एक आवेदन थाने में दिया था। दूरसड़ा पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की और आरोपी को महज कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर दिया। ये हमारे थाने पे हमारे थाना क्षेत्र के ग्राम रजौरा की एक रीना वाइफ ऑफ राम प्रवेश पाल आई थी, जिसने एक लिखित आवेदन पत्र दिया है आरोपी सोबरन पाल के विरुद्ध कि उसने घर पर कोई नहीं था तो घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की, जिस पर से हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर उसे तुरंत ही 6 घंटे में गिरफ्तार करके और न्यायालय पेश कर दिया। न्यूज़ बीके के लिए दतिया से रवि रायकबार की रिपोर्ट।